हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में जियोलॉजिस्ट एंड जियो साइंटिस्ट की जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और एलबीटी कंडीशंस यहाँ पे आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। फॉर्म फिल करने से पहले फ्रेंड्स आप केयरफुली चेक करेंगे ऑल नोटिफिकेशंस को अपने को, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोटिस नंबर डेट यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो आप फॉर्म फिल करने की फ्रेंड्स 10-11 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड डिटेल दी गई है, अपनी डिटेल्स को चेक करेंगे केयरफुली, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल, किस किस पद में कौन सी वैकेंसी है, साइंटिस्ट के लिए, जूलॉजिस्ट से केमिस्ट के लिए, जो भी वैकेंसी है अपनी केयरफुली चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, अपनी एलबीटी कंडीशंस को चेक करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपको हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उस पर जाके आप देख सकते हैं। बाकी आप न्यू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स को फिल करना होगा। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पे वो आ जाएगा, उसको आप रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी आपको फिल करना होगा, यहाँ आप अपना मेल आईडी फिल करेंगे। बाकी आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और ओटीआर आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, जैसे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे फ्रेंड्स फिल करना होगा। जो भी आपको ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे, उस ईमेल ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैप्चर कोड जो दिया गया है, कैप्चर कोड आपको फिल करना होगा और लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाना होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा जियो साइंटिस्ट के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा जियो साइंटिस्ट के लिए। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू पार्ट वन पे आपको करना होगा। हिंदी या इंग्लिश में आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप इनमें से रीड कर सकते हैं, बाकी आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे क्लिक हेयर टू फर्स्ट स्टेज पर आप क्लिक करेंगे आपको देखने को मिलेगा, सारी कंडीशंस को रीड कर लेंगे, यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम, आपका नाम ऑटोमेटिक, आपने हमने वन टाइम पासवर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ओटीआर में किया था वो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना होगा, मैरिड है अनमैरिड। उसके बाद यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे और उसके टाइप ऑफ डिसबिलिटीज आप फिल करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, अपनी जो भी कम्युनिटी है कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, आदि या जनरल है जनरल कर देंगे, अदर आप अदर कोई कैटेगरी से हैं, एस टी एस सी ओ बी सी जो भी कैटेगरी, आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको यहाँ पे यस या नो में देखना होता है, वो आपको फिल करना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी छूट माफ नहीं है तो यहाँ पे नो ही रहेगा। यदि मैं रिजर्व कैंडिडेट होता, रिजर्व कैटेगरी से होता तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे यस ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाइड हो जाता है। तो मैं जनरल में हूँ तो मेरा फीस माफ नहीं है, फीस लगेगा ही। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप पूछ गए मास्टर डिग्री आपके फिजिक्स में है या अप्लाइड है या केयर आप पास है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। पास है तो पास पे सेलेक्ट करेंगे या अप्लाइड है तो आपको अप्लाइड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अभी आप अपेयर्ड है तो अपेयर सेलेक्ट करेंगे और पास है तो पास। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना होता है, केयरफुली चेक करेंगे सारी डिटेल को। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे आप स्टेट फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना होगा, पिन के बाद आप देख लेंगे यहाँ पिन कोड फिल हो गया, ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका देखने को मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप आयु में छूट चाहते हैं, तो यस या नो देना होगा। यदि चाहते हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा और डिटेल्स फिल करनी होगी, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक फोटो आईडी कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, टाइप ऑफ सेलेक्ट करना होगा, आईडी प्रोवाइड आपको यस से कराना चाहते हैं नहीं चाहते वो आपको यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे आपको यस करना होगा। फोटो पहचान पत्र संख्या यहाँ पे देनी होगी, यहाँ पे कंफर्म करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एलिबिलिटी जो आपकी क्राइटेरिया सर्विस
आपको दी गई है योग्यता पद की सेवाएं जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पद। स्टेट सेकंड के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मेन, और उसके लिए आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना होगा, जो भी सेंटर आप रखना चाहते हैं वो सेंटर चूज करेंगे और नेक्स्ट कंटिन्यू पे आपको आगे करना होगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिए गए हैं कैप्चर कोड डालने होंगे, जैसे कैप्चर कोड डालेंगे आपको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेज आपका पेमेंट का होता है। अब यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेंगे, प्रिंट स्लिप का ले लेंगे आपका जो भी है इसका, बाकी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रिंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं फ्रेंड्स, और नहीं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे दोबारा से क्लिक करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको देखना होगा पार्ट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको करना होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक आईडी आइडेंटिटी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। थे आप फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस पे सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशंस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना सेंटर परीक्षा केंद्र आपको सेलेक्ट करना होगा और जो भी रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ डिक्लेरेशंस को रीड कर लेंगे केयरफुली, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। अंतिम सबमिट आप करेंगे, जैसे ही आप अंतिम सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो जाएगा रजिस्टर्ड, और आपको मेन वेबसाइट पे जाना है और आपके फॉर्म का आपको यहाँ पे प्रिंट ले लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे आपको अपने फॉर्म का यहाँ प्रिंट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।